plus, as you can see that the next question is, what is the minimum age prescribed to become the President of India? President of India बनने के लिए कितनी age prescribed है? 35 years. 34. अब कोई बोलेगा नहीं, हमसे पढ़ाएंगे बोलेगा कोई नहीं. चुप. Please silent. Everybody please silent. Next, what is the minimum age? Sorry. Who has unified Germany? Germany को किसने एक किया था? Germany के दो भाग कर दिए गए थे World War के बाद, First World War के बाद. East Germany, West Germany. ठीक है? उसको जिसने दोबारा वापस से एक किया था, उसका नाम था Bismarck. Next, who is considered the father of sitar and tabla? Amir Khusro. Amir Khusro किसके time में था? हमारे पिट्री में? किस राजा के समय में था Amir Khusro? अलाउद्दीन खिलजी के समय में था. चलो आगे. The which viceroy of British India introduced Albert Bell in 1883 में Albert Bell किस viceroy of British of India ने किया था? Lord Ripon ने. ठीक है. Next है आपका, who started Sharda Sadan in Bombay? Sharda Sadan क्या है पता? वहां पर एक वो लगती है, मतलब हर साल पुस्तक का पुस्तक मेला लगता है. ठीक है. वो चालू किया था किसने? रमाबाई सरस्वती ने. रमाबाई सरस्वती का मेन नाम किस लिए आता है? महिलाओं की शिक्षा के लिए. रमाबाई सरस्वती थी एक तरीके की सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, मतलब उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनकी स्टडीज और उनके एजुकेशन के लिए सारदा सदन नाम का एक वो खोला था. जो भी महाराष्ट्र में महिलाएं विधवा हो जाती थी तो वो किसी काम की नहीं रह जाती थी, तो सारदा सदन खोला उन्होंने उन औरतों के लिए जो औरतें विधवा हो चुकी हैं पर काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक सारदा सदन खोला था बॉम्बे में, रमाबाई सरस्वती. नेक्स्ट है, हु हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर? कितने हैं लेयर्स? 5 है. नाम क्या है? लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर थोड़ी होती है, पहली वाली क्या होती है? Who was known as Indian Napoleon? Samudragupta. What is the square root of 144? That is 12. What is the 3/5 of 50? 3/5 क्या होगा? It means 50 multiply 3 upon 50. Multiply करके 5 से multiply करोगे, 5 से 50 को divide करो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. 3 से multiply करोगे 30 आ जाएगा. Next है, what type of whale is biggest animal in the world? That is blue whale. Next, which two parts of the body continue to grow for your entire life? Nose and ears. पूरे जीवन भर आपके कान और नोज क्या होते हैं? बड़े होते रहते हैं. ठीक है. What makes up approximately 80% of your brain's volume? ब्रेन में 80% तक क्या होता है? वाटर. देखते नहीं हो एकदम वाटर कैसा गीला गीला होता है, किसी का अगर ब्रेन निकाल दो बाहर तो वो कैसा गीला गीला रहता है. ओके. नेक्स्ट, विच कंट्री डज वॉलीबॉल ओरिजिनेट फ्रॉम? इस कंट्री से वॉलीबॉल की शुरुआत हुई थी, यूएसए से. ठीक है. और यूएसए का आप लोग ये बताओ वहां का नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल ही है. ठीक है. What is Zumba? Zumba एक तरीके का डांस वर्कआउट है. Who gave the slogan do and die? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने. Name the biggest planet in our solar system? Jupiter. Jupiter और क्या कहते हैं लाइन से क्या है हमारे planets के नेम? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Pluto is not a planet now. Okay. Next. That is, which of the following Rigvedic deities represented storms? Rigvedic deity means
हमारे ऋग्वेद में कई देवताओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि इंद्र के देवता और भी बहुत सारे ऐसे देव। इंद्र कौन से देवता है? बारिश के देवता है। वरुण किसके देवता है? ये मौसम के देवता है। तो सभी अलग अलग चीज के डाइटीज होते थे। तो कौन से ऐसे देवता थे जो तूफान करते थे? उनका नाम क्या था? मारुत। क्या नाम था? मारुत। नेक्स्ट वो द प्लेस धरानीकोटा इन साउथ इंडिया इज रिलेटेड टू विच एंशियन डायनेस्टी? धरानीकोटा प्लेस ये है, उसमें साउथ इंडिया किस डायनेस्टी ने वर्ण किया था? सातवाहन वंश ने। ओके, ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, उससे इस जगह पर बहुत सारे लोगों ने वो किया था। ठीक है, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दैट इज मैंड्रिन और चाइनीज। देखो चाइनीज इसका बाद में नाम दिया गया, मैंड्रिन जो है वो चाइना की लोकल लैंग्वेज है। मतलब जो तिब्बत, पूर्वी तिब्बत और नॉर्थ तिब्बत के लोग जो बोलते हैं वही आपकी मैंड्रिन लैंग्वेज है। मैंड्रिन लैंग्वेज कैसी होती है? ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट होती है। इसकी स्क्रिप्ट कैसी होती है? पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स होते हैं। तुमने चाइना वालों को देखा होगा कि वो हर एक अक्षर के लिए अलग तरीके का वर्ड लिखते हैं। उनका क्या होता है, जैसे पिक्टोरियल लैंग्वेज, जैसे हम लोग जो होते हैं बच्चों, हम लोग की लैंग्वेज कैसी होती है? उसमें वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में वर्ड्स नहीं होते। सॉरी, हम लोग की वर्ड्स में क्या, तुम लोग अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में क्या होते हैं? पिक्चर्स होते हैं। हम आप लोग को मैंड्रिन लैंग्वेज दिखाते हैं। You can see that is Mandarin language. ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, इस तरीके की डिजाइन जो होती है वही मैंड्रिन लैंग्वेज होती है। चाइना में सबसे ज्यादा लोग, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वहां की बोली जाने वाली भाषा भी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दैट इज नाइल। हाँ, विच गोज थ्रू द इजिप्ट? Why are the leaves of a plant so important? Next, who invented television? Television किसने बनाया था? John Logie Baird। मैं भी कौन थे? किसने television बनाया था? John Logie Baird। Where is the Ajanta cave situated? Ajanta cave से हम जानते होंगे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और Ellora caves कहाँ है? एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। अजंता और एलोरा केव्स किस लिए मशहूर है पता है? चलो मैं बता देती हूँ। जैसे मैं वहां पे मंदिर पहले से बन गए थे। चुप, तुम लोगों ने पता, सुनो मेरी बात। अजंता केव्स जो है वो मूर्तियों के लिए फेमस है। अजंता केव्स क्या है? उसके अंदर कार्विंग करके बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है अजंता केव्स में। लेकिन आपकी जो एलोरा है, एलोरा केव्स है, वो क्या किया गया है? एक पत्थर के अंदर बनाया गया है और अंदर ही अंदर पूरी एक गुफा है। और उसके अंदर क्या किया गया है? वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है। क्या बनाई गई है? वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है। वॉल पेंटिंग्स क्या होती है? उसके अंदर देवी देवताओं के चित्रों को बनाया गया है। ठीक है, कंदरिया महादेव उसमें सबसे बड़ा क्या है? मंदिर है एलोरा केव्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, Who discovered the virus? The question is not completed, so question is wrong. Next, the title Punjab Kesari was conferred to Lala Lajpat Rai. Name the highest mountain peak of India. अभी मैंने बताया था Mount Kanchenjunga. What is the full form of AM and PM? Anti-meridian and after midday. मैं prime meridian था। बच्चे ये रॉन्ग है आपका, इसमें इसमें एक का नहीं दिया हुआ। ये आफ्टर मिडडे भी होता है एंटी मिडेरियम, और ये इसका होता है प्राइम प्राइम मिडेरियम। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द नेम द लाइटेस्ट गैस। कौन सी ऐसी गैस होती है जो सबसे सबसे ज्यादा हल्की होती है? तो क्या होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, जितनी भी हल्की गैसेस होती है, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन,
ये सारी जो गैसेस होती है ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? आपके आउटर एरिया में, एकदम आउटर स्पेस में पाई जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका हू रोट पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। पंचतंत्र क्या है पता है? नहीं, ये मॉरल स्टोरीज की बुक है। कौन बोला कॉमिक्स है? पंचतंत्र में स्टोरीज बच्चों कैसी हैं? ज्यादातर स्टोरीज मैम एंशियंट कल्चर को लेकर है। हाँ, क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पहला अमेंडमेंट का कितने साल, कौन सा वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। हु डिस्कवर्ड दैट पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया? पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया कॉजेस डिजीज? ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, लुईस पाश्चर ने ये नहीं बताया था। लुईस पाश्चर ने ये बताया था कि दूध में जो जो दूध होता है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये चीज पता लगाया था। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया कॉजेस डिजीज? ठीक है, लुईस पाश्चर ने क्या किया था, दूध में होने वाले बैक्टीरिया को कैसे खत्म किया जाए, उसमें बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म कैसे किया जाए, उसकी जो विधि, उसका जो प्रोसेस बताया था वो लुईस पाश्चर ने बताया था। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर वायरस? डेब्रा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया लाइज बिटवीन विच टू ओशियंस? इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। नेम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद। 16th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मैम उसमें अगर मैम 3 बार बॉल कैच कर लेते हैं मैम विकेट कीपर, तो बस वो जो मैं
मैम बैटर होते हैं वो आउट हो जाते हैं। हाँ अब देखो ये जो वॉलीबॉल होता है उसको हाथ से खेला जाता है, और अभी आपने बेसबॉल को देखा उसको स्टिक के साथ खेला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए आपके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है क्लास। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, लेट मी शो इट फॉर यू। नाउ टेक Okay. Look, ma'am.